आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो व्यूअर्स एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल स्वीट होम सर्विस 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो व्यूअर्स आज का जो वीडियो है वो है हमारा ई ब्लॉक का, जो कि यहां पर रोड कारपेट हो चुके हैं वो हम दिखेंगे। और इसके अलावा व्यूअर्स हम आपको दिखाएंगे जो इसका 200 वाली नंबरिंग है ई ब्लॉक की, वो भी आज मैं आपको दिखाऊँगा। और ये अबू बकर ब्लॉक का वो एरिया है जहाँ पर वो कारपेट हो चुका, और इसका मैं आपको अभी लाइव विजिट दिखाएंगे। और 200 वाली नंबरिंग के जो प्लाट ई ब्लॉक के अभी तक ऑफ ग्राउंड उनका भी आज हम आपको व्यू जो है वो दिखाएंगे, वहां पर ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स यहां पर ई ब्लॉक का जो यहां पे डेवलपमेंट हुई है और यहां पर रोड भी जो है वो कारपेट हो गए हैं। ये हम गली नंबर 18, 19, 20, 21, 22 और ये स्ट्रीट है, ये मैं आपको अभी इसका विजिट करवा रहा हूँ ई ब्लॉक का। यही अभी लास्ट जो है इसकी डेवलपमेंट ई ब्लॉक की वो यहाँ पर हो चुकी है, ये आप देखें। इसके अलावा आपको 200 नंबरिंग वाले जो प्लाट है उसकी लैंड भी आपको दिखाता हूँ। और ये आप देखें कि यहाँ पर जो तकरीबन रोड है वो सारे यहाँ पे इन्होंने कारपेट कर दिए हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पर पोजेशन भी आपको अवेलेबल होगी, आप कभी भी आप जाके सोसाइटी में अपनी पोजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो यहाँ पे ड्यूज हैं वो आप क्लियर करें और उसके अलावा फिर आप इसकी पोजेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ई ब्लॉक का वो एरिया देख रहे हैं कि जो कि यहाँ पे नॉन डेवलप था, और यहाँ पर ये तकरीबन यहाँ पर जो एरिया है वो सारा डेवलप हो चुका हुआ है। स्ट्रीट लाइट जो है वो यहाँ पर लग गई है, आप यानी इलेक्ट्रिकल कैबन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा रोड जो है वो तकरीबन यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर तकरीबन ये 5-6 गली हैं जिनकी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है ई ब्लॉक की। और इसके अलावा आपको जो 200 वाली पट्टी है उसकी जो लाइन है वो भी मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। और ये यहाँ पर इसका जो पार्क है ये आपको बता चलूँ कि ये इसका पार्क है, ये जो आपको चार दीवारी नज़र आ रही है ये यहाँ पर इसका पार्क रखा गया है। और इसके अलावा क्योंकि ये पार्क पहले पीछे था तो यहाँ पर भी ये थोड़ी चेंजिंग जो है वो यहाँ पर सोसाइटी ने यहाँ पर कर दी है। और इसके अलावा आपको आगे लेकर चलता हूँ जो इसकी 200 वाली नंबरिंग है उसके जो प्लाट हैं वो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर अपने उन प्लाटों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी आपको आगे चलकर मैं दिखाता हूँ। तो उसकी जो गली है वो भी यहाँ से हम राइट लेते हैं क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड की बैक के ऊपर इस टाइम मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पर जो 200 वाले प्लाटों की जो नंबरिंग है क्योंकि वो डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ लगते हैं तो उसमें मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर करने की जो मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे व्यूअर्स हैं जो जिनके वहाँ पर प्लाट भी हैं और उनका कंसर्न भी काफ़ी ज़्यादा है कि हमारा जो प्लाट है वो हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो कब मिलेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको इसका जो एरिया है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पर आपको वो एरिया दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर 200 नंबरिंग वाले प्लाट आने हैं क्योंकि मैप के ऊपर जो इसका यहाँ पर जो गली दी गई है वो गली यहाँ पर इस टाइम आपको दिखाने के लिए लेकर आ रहा हूँ कि वहाँ पर गली है या नहीं है, तो वो आप देख लेंगे तो आपको भी एक आइडिया जो है वो यहाँ पे हो चुका होगा। तो ये व्यूअर्स मैं आ गया हूँ अभी डी ब्लॉक के अंदर और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स ये आप डी ब्लॉक के अंदर हैं, ये सारे जो घर हैं आपको 5 मरला के और 7 मरला का डी ब्लॉक मिल रहा है। और इसके साथ अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इधर राइट साइड पे देखेंगे तो ये वो यहाँ पर वो रोड होना है जो कि 200 नंबरिंग वाले प्लाट जो है वो यहाँ पर आने हैं, क्योंकि ये मेरे सामने जो आपको प्लाट नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आप देखें ये गलियाँ यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, आगे इसकी ये वाल खड़ी हो जाती है और इस वाल के साथ ये वाली जो गली आपको नज़र आ रही है यही गली आगे सीधी जानी है और आगे जाके ये 200 वाले नंबरिंग के जो प्लाट हैं वो इसके ऊपर आने हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अभी ये दीवार है और यहाँ पर अभी ये कोई फार्म हाउस है और इसलिए यहाँ पर अभी वो जगह यहाँ पर सोसाइटी के पास अभी नहीं आई, अगर आ चुकी होती तो ज़ाहिर है इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे प्लाट जो थे वो अवेलेबल हो चुके होते। और ये वो एरिया है जो आपको दिखाना था, यहाँ पर 200 नंबरिंग वाले जो प्लाट थे 200 से और मेरा ये 285 से के नंबर के यहाँ पर प्लाट हैं।
और ये जो प्लाट है अभी तक इनका कहीं और इनको एडजस्ट करते हैं तो उसका अभी तक कोई खबर नहीं है। तो ये वो सूरत हाल है 200 नंबर वाली पट्टी ई ब्लॉक की, और इसके साथ फिर अगर आप देखें तो ये सारा इसका डी ब्लॉक है। काफ़ी ज़्यादा घर जो है यहाँ 5 मरला और 7 मरला के कंस्ट्रक्शन हो चुके हुए हैं, और यहाँ पर आप देखें कि ये काफ़ी खूबसूरत घर, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर घर जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो सी ब्लॉक का एरिया है, और सी ब्लॉक का एरिया जो है ये आप देखें यहाँ पर सारे 3 मरला के घर जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड है 7 मरला में, यहाँ पर मेरे पास डी ब्लॉक के अंदर प्लाट अवेलेबल है, और बड़े मुनासिब रेट के ऊपर आपको 7 मरले का यहाँ पर ऑन ग्राउंड प्लाट, पोजेशन वाला प्लाट आप फौरी तौर पे उसके ऊपर घर भी बना सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट यहाँ पर जो है वो तकरीबन 85 से लेके और 80 की ब्रैकेट में आपको यहाँ पर 7 मरले का प्लाट मिल जाता है। 5 मरले का प्लाट जो है वो आपको कोई 60-65 की ब्रैकेट में यहाँ पे प्लाट अवेलेबल हो जाता है। तो इवर ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।